नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपकी अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है रीड सिक्योरिटी डेली क्लासेज की, और डेली क्लासेज में आज की जो क्लास है 7:30 बजे की संस्कृत की, इसके अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए व्यंजन संधि का भाग नंबर 4। तो दोस्तों, आज हम जो दो संधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि और एक संधि का नाम है छत्व संधि। कल जो है हमने चरत्व संधि देख लिया था, अब आज इन दो संधियों के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्व सवर्ण संधि। तो पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र है जयो हो अनत्र संयामय, यानी इसका सूत्र क्या है, जयो हो अनत्र संयामय है। तो सबसे पहले इस सूत्र को डिटेल में निकालते हैं। जय यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के बाद में स्थित है के स्थान पर, स्थान पर पूर्व सवर्ण विकल्प से होता है। अब विकल्प को आपको अर्थ समझना है, एक बार तो है के स्थान पर पूर्व विकल्प से जो पूर्व सवर्ण होगा, एक बार नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार सूत्र का अर्थ ये समझना होगा, यदि वर्ण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के पश्चात है आए, तो है के स्थान पर उसी वर्ण का चौथा अक्षर विकल्प से होगा, पूर्व सवर्ण विकल्प से जसत्व कार्य करेगा। यानी आपको ये देखना है कि ये जो पूर्व सवर्ण है, ये अपना जो है विकल्प से कार्य करता है। जैसे झय है, एक, दो, तीन, चार के बाद में है स्थित हो, तो उस है के स्थान पर एक बार तो उसी वर्ण का चौथा वर्ण होगा, एक बार नहीं होगा। उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने ये है वाखरी, जैसे वाक प्लस हरी, ठीक है, वाक प्लस हरी। देखो वाक प्लस हरी, ये क है यानी ये प्रथम वर्ण है, और इसके बाद में क्या आ गया है, तो अब इस है के स्थान पर इसी वर्ण का चौथा अक्षर करना है। तो है का हमें पता है कि क का चौथा वर्ण घ होता है, तो ये शब्द बनेगा वाग घरी। ये एक बार तो वाग घरी बनेगा, और एक बार विकल्प जब से नहीं बनेगा तब बनेगा वाग हरी। इस प्रकार दो दो उदाहरण बनेंगे इसके अंदर सभी के। ये देख लीजिए, उद्धार का एक उद्धार है, एक उद्धार है, वाग घरी, वाग हरी। अजिनम, अजिनम का एक बार अजिनम बनेगा, एक बार अजिनम बनेगा। मधुलिड हदि का एक बार मधुलिड ढस्ती बनेगा, एक बार मधुलिड हस्ती बनेगा। इस प्रकार ये संधि काम करेगी। तो आपको इस पूर्व सवर्ण संधि का इतना याद रखना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि है हो, तो एक बार तो है के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण होगा, और एक बार है का है रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ते हैं, छत्व संधि। छत्व संधि का सूत्र है सस छो अटी, यानी सूत्र है सस छो अटी। सूत्रार्थ, पद के अंत में स्थित झय यानी वर्ग के एक, दो, तीन, चार के बाद से हो, तो विकल्प से उसका छह आदेश हो जाता है। यानी षष्ठोऽट्टी कहते हैं कि पद के अंत में स्थित झय यानी वर्ग के एक, दो, तीन, चार के बाद से हो, तो उसे विकल्प से छह आदेश हो जाता है, यदि उसके बाद अट यानी स्वर वर्ण है या वह रह हो रहे तो। यानी षष्ठोऽट्टी कहते हैं कि षष्ठोऽट्टी यानी पद के अंत में से झय यानी वर्ग के एक, दो, तीन, चार के बाद से हो, तो उसे विकल्प से छह आदेश होता है, यदि उसके बाद अट स्वर वर्ण या है वही रह रहे तो। और एक और सूत्र यहाँ ध्यान देने योग्य कहा गया है कि से को छह होने पर पूर्ववर्ती दय को सतु सतो सतु न सतु से जय हो जाएगा, और खरी जैसे जय का जय हो जाएगा, और जय को खरी चय से जय हो जाएगा, और तय होने पर चय हो जाता है। एक और वार्तिक दी हुई है छत्वम मित्ति वाच्यम, कात्यायन की वार्तिक है कि सह को छह अट परे रहते नहीं, अम यानी स्वर है या वरल है यंगमण परे रहते होते हैं। अब देखो इसके क्या विभाग हो, तो आपको तो पहला ये याद रखना है कि एक, दो, तीन, चार के बाद यदि सह हो, तो सह के स्थान पर विकल्प से छह आदेश होगा, यदि उसके बाद क्या हो अट यानी स्वर और है या वरला, ठीक है। और एक आपको यह याद रखना है कि यदि जो भी छह बना है सह का छह, उसके स्थान पर दय हो जाएगा सतो सतु न सतु से, और दय के स्थान पर जय हो जाएगा, फिर उस दय का जय होगा। अब देखो पहले
एक उदाहरण दिया हुआ है आपको, पहले उदाहरण सॉल्व करते हैं। ये देखो तद प्लस यू दिया हुआ है, ठीक है। अब चौथे वर्ण के बाद में से आ गया, तो इस से का हमें क्या करना है, छः करना है, तो बनेगा तद प्लस च्यू, ठीक है। तद प्लस च्यू बन गया। अब उस दे का आपको जय बनाना है और तद प्लस च्यू, और फिर उस जय का खरीचे से चय बनेगा तत्व, और एक बार नहीं बनेगा तो बनेगा तच्ची शिव, से का से आएगा तच्ची शिव। इस प्रकार इसके उदाहरण चलेंगे, आप देख सकते हैं। तो आपको दोनों सूत्रों में, एक में तो यह याद रखना है कि एक दो तीन चार के बाद यदि है हो तो एक बार है का चौथा वर्ण होगा उसी वर्ण का, एक बार नहीं होगा। और षष्ठोटी में यह है कि झ के बाद यदि से हो तो एक बार छ आदेश होगा, एक बार छ आदेश नहीं होगा, से का से रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।